दोस्तों, बात की जाए ऑनलाइन एडल्ट कंटेंट की तो भारत में वैसे तो ऑफिशियली ये बैन है, फिर भी भारत इसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यही कारण है कि जहां हमारे देश की लगभग हर वेब सीरीज में अंतरंग दृश्यों की भरमार होती है, वहीं कई वेब सीरीज पूरी तरीके से इसी तरह के कंटेंट पर आधारित रहती हैं। ऐसी एक वेब सीरीज है गंदी बात, जिसका फिलहाल 5वां सीजन आ चुका है। तो कैसा है गंदी बात का ये सीजन, चलिए इस बारे में थोड़ी सी गंदी बात बात करते हैं। जहां नॉर्मली किसी भी वेब सीरीज का सेकेंड पार्ट आने में कम से कम एक साल का टाइम तो लग ही जाता है, वहीं अंतिम दो सालों में ही गंदी बात के 5 सीजन आ चुके हैं। व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए तो मैंने इसका पहला और तीसरा सीजन देखा था और अब ये 5वां सीजन देखा है। इस सीजन में कुल मिलाकर 4 एपिसोड्स हैं और पिछले सीजन्स की तुलना में बात की जाए तो इस बार एकता कपूर एंड टीम ने शायद कहानी पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की है। पर जब सारा ध्यान नग्नता परोसने पर ही है तो बाकी एस्पेक्ट्स पर कोई ध्यान कहाँ देता है। वैसे तो नॉर्मली मैं सारे सीरीज के कलाकारों के बारे में भी बताता हूँ, पर इस सीरीज के मैं कलाकारों के नाम नहीं बता सकता क्योंकि सारे ही एक्टर्स अननोन थे और उनका काम भी इस लायक नहीं था कि उनके नाम जानने की कोशिश की जाए। तो इस सीजन में कुल टोटल 4 एपिसोड्स हैं और चारों की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला सीजन है एरोटिक टेल्स ऑफ मधोश मदन और ये कहानी पूरी तरह से मस्तराम और वर्जिन भास्कर वेब सीरीज के प्लॉट को ही उठाकर लिखी गई है। वैसे तो इस एपिसोड में कहानी का एग्जीक्यूशन थोड़ा ठीक था तो ये इस सीरीज का सबसे अच्छा एपिसोड है। दूसरा एपिसोड है गेम्स ऑफ लव। इसकी कहानी चक दे इंडिया की स्टोरी में सेक्स घुसाकर बना दी गई है और ये वाला एपिसोड वाकई में काफ़ी वाहियात था। अगर शाहरुख खान को गलती से भी इसके बारे में पता चल जाए तो शायद वो खुद को ही गोली मार लें। तीसरा एपिसोड है हैप्पी वैलेंटाइंस डे और इसकी कहानी घूमती है डेटिंग एप्स के साइड इफेक्ट्स के इर्द गिर्द। इस कहानी का रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा ठीक है और चूंकि कहानी में थोड़ा सस्पेंस है और मर्डर भी, तो इसको भी देखा जा सकता है। चौथी और सबसे अंतिम कहानी है पिंटूज 5 मिलियन फॉलोअर्स। दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि कुछ महीनों पहले एक जोमैटो के डिलीवरी बॉय अपनी स्माइल की वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो इस एपिसोड की कहानी का मेन कैरेक्टर भी अपनी स्माइल की वजह से सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो जाता है और अब उसका टारगेट रहता है किसी भी तरह से 5 मिलियन फॉलोअर्स करने का। इसी झोलझाल में सेक्स और धोखे का तड़का लगाकर इसकी कहानी को बुना गया है। पहले मैं जब इस तरीके की किसी भी वेब सीरीज के बारे में सुनता या देखता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसा कंटेंट क्यों बनाया जाता है और किसके लिए बनाया जाता है। पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि गंदी बात का 5वां सीजन है तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरीके के कॉन्टेंट की मार्केट में कितनी डिमांड है। वैसे तो ये काफ़ी शर्मनाक है, पर अब क्या ही किया जाए, क्योंकि जिस तरह की डिमांड आएगी उस तरह का ही कंटेंट बनाया जाएगा। चलिए वापस लौटते हैं गंदी बातों पर। तो कुल मिलाकर इस बार कहानियां तो ठीक ठाक हैं पर मेकर्स का पूरा ध्यान एडल्ट सीन्स पर ही था तो कहानियों का एग्जीक्यूशन बहुत ही बेकार है। ऊपर से सारे के सारे एक्टर्स भी ऐसे लिए जाते हैं सीरीज में जिन्हें एक्टिंग की ABCD भी नहीं पता, तो इसीलिए सब गुड़गोबर हो जाता है। तो फिर भी आपके अगर अपने रीजंस हैं और आप इस एडल्ट वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो पहला, तीसरा और चौथा एपिसोड देख सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि अगर आपने वेब सीरीज देखी भी होगी तो भी आप कमेंट करके कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, तो अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वेब सीरीज कैसी लगी। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर कीजिए। ऐसे ही अन्य कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।